और ये लोकतंत्र का जो मंदिर है जहाँ 3.25 करोड़ जनता की आशाएं अपेक्षाएं प्रतिबिंब होनी चाहिए, प्रतिध्वनित होनी चाहिए, उसे धर्म का अड्डा ना बनाया जाए। और मैंने कहा था अगर वापस आप नहीं लेंगे तो 48 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। और हमने कहा था कि विधानसभा के बाहर मैं अनशन करूँगा और उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अरगोड़ा चौक से ये दो मांग जो हमारी स्थानीय नीति जो हमने बनाई थी जिसमें हिंदी भाषा भाषी सहित जो भोजपुरी है, मंगिका है, अंगिका है, मैथिली है, उर्दू, बंगला, साथ ही जनजाति भाषा को हमने स्थानीय नीति में परिभाषित किया था। यहाँ भी ये तुष्टिकरण एक संप्रदाय विशेष की तुष्टिकरण को ध्यान में रखकर हिंदी जो राष्ट्रभाषा है इस राज्य का भी राजकाज भाषा हिंदी है। विधानसभा के अंदर भी हिंदी में काज होते हैं, सरकार के सारे ऑफिशियल कैबिनेट से लेकर हिंदी में होते हैं। उन हिंदी भाषा भाषी को बाहर कर दिया और उर्दू को बरकरार रखा, जबकि उर्दू भी हिंदी भाषा से निकला हुआ, जिस तरह भोजपुरी, मंगिका, अंगिका निकला हुआ उसी तरह ये भाषा भी हमारा क्षेत्रीय भाषा है। तो भाषा से कोई बैर नहीं होनी चाहिए, भाषा जोड़ने वाली शक्ति है। और इस तरह ये यहाँ भी तुष्टिकरण की राजनीति, और मुझे लगता है कि ये राज्य में जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे लोक लुभावने नारे दिए थे उन वादे को आज 2 साल होने जा रहे पूरे नहीं कर पाए। अब जनता को भ्रम की स्थिति पैदा करके समाज में को छिन्न भिन्न, समाज को जिस तरह अंग्रेज फूट डालो राज करो की रणनीति पर ये सरकार चल रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनवरत संघर्ष करते रहेगी जब तक ये धर्म विशेष की नवाज कच्छ का पत्र वापस नहीं होता, नियोजन नीति में संशोधन करके हिंदी भाषा भाषी को नहीं जोड़ा जाता। एक तरफ चाहे हमारे मूलवासी आदिवासी इधर भी देखिए के जो अगर मान लीजिए किसी राज्य में नौकरी कर रहे हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो अपने परिवार को लेकर जाएंगे तो मैट्रिक वहाँ पढ़ेंगे तो उनको 3rd-4th grade की नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के एक महासचिव की पत्नी इलाहाबाद में पढ़ी लिखी लेक्चरर की नौकरी हुआ उनको जेपीसी में नौकरी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के जो मूल आदिवासी खतियानवासी यहाँ के झारखंड वासियों को 3rd grade की 4th grade की भी नौकरी नहीं मिलेगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।